अगर आपके पास ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। एक तो ये चीज लिखी जा सकती है, ये रेशो सेम रहेगी, अगर ऐसे लिख देते हैं तो रेशो सेम रहती है, या इसको आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, से एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एम टाइम्स ए प्लस एन टाइम्स सी अपॉन एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स डी ऐसे लिख लेते हैं तब भी ये रेशो सेम रहती है, ठीक है, तब भी ये रेशो सेम रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको फटाफट कर दोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ नहीं हो तो फिर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब ये हमें देखना कि हम यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। कहता ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ये हमें प्रूव करना। नाउ क्वेश्चन इज ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो इसका सिंपल मतलब है रेशियो जो बी अपॉन ए है, सी अपॉन बी है और डी अपॉन सी है, कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम रहती है, कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम रहती है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये रेशियो जो है के है, हमने मान लिया कि ये रेशियो क्या है के बराबर है, ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट के इज इक्वल टू, अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अभी इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर, इसको बी से करेंगे तो हो जाएगा बी सी अपॉन बी स्क्वायर और इसको सी से कर देते तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, अब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये कहां से आया, ये रेशियो प्रोपोर्शन से आया, ये बाय द नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी कैन राइट दिस, ठीक है, तो ये याद होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए बीच में डाल दिया जाता है, ठीक है, अगेन इफ यू टेक द सेम रेशियो के एंड नाउ वी मल्टीप्लाई दिस बाय बी, बी से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन सी डी और इसको सम कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन, ठीक है, अब ये दोनों रेशो कैसी हैं, दोनों रेशो तो क्या हैं, ये दोनों रेशो तो बराबर हैं, हाँ यस नो यस सर, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं ना फिर, ठीक है, यस सर, इक्वेटिंग
फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा होल स्क्वायर हमारे पास, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, समझ में आया बेटा।